Today's inspiration. Life is a journey. Do not cover it forcefully. Cover it tremendously. जीवन एक यात्रा है, इसे जबरदस्ती तय न करें बल्कि जबरदस्त तरीके से तय करें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भोला प्रसाद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल भोला फिटनेस। जिस तरह से हम मौसम को देख रहे हैं तो समर का मौसम आ चुका है, गर्मी आ चुकी है और ऐसे में हमारा शरीर डिहाइड्रेशन की तरफ जाने लगता है, यानी शरीर में पानी की कमी होने लग जाती है गर्मी की वजह से। तो शरीर में पानी की कमी ना हो, डिहाइड्रेशन से हम बचे रहें, हमारे शरीर स्वस्थ रहे, हमारे शरीर के अंदर में विटामिन मिनरल्स और पोषण की कमी ना हो, ऐसे में कुछ ऐसे जूस के बारे में, ऐसे कुछ लिक्विड के बारे में बताऊंगा जिससे आपका शरीर स्वस्थ रहेगा और डिहाइड्रेशन से दूर रहेगा। तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को आप लाइक कीजिए, कुछ पूछना होगा तो आप मुझे नीचे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स भी कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। गर्मियों में अगर हम लिक्विड की बात करें तो सबसे पहला हमारे पास सामने जो आता है, जो रेगुलर हम यूज करते हैं, वो है पानी। हमें इस मौसम में पानी रेगुलर रोजाना 8 से 10 गिलास पीना बहुत जरूरी है। इस बात का आप ध्यान रखें कि खाना खाने के तुरंत बाद पानी न पिए बल्कि 1 घंटे के बाद पिए, जो कि आपके लिए फायदेमंद होगा। सुबह 1 से 2 गिलास उठते ही आप पानी पिए, अगर हो सके तो गुनगुना पानी में थोड़ा सा नींबू मिलाकर जरूर पिए, यह आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। तो आप इस मौसम में पानी की कमी बिल्कुल भी ना करें, बिल्कुल भी पानी से परहेज ना करें, खूब पानी पिए जितना आपका मन। बादाम, सौंफ और गुलाब की पत्तियां, मगज और खस, जी हाँ, इन चीजों से बना है ठंडाई। अगर आप ठंडाई का सेवन करते हैं इन गर्मियों के दिन में तो आपको ये पूरी ताजगी और एनर्जी देता है। अगर आपको ब्लड शुगर की कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप इसे पी सकते हैं। दूसरी बात, बच्चों को देना ये बहुत फायदेमंद होता है क्योंकि गर्मियों के दिन में लू की थपेड़ों की परेशानी हो जाती है, लू लग जाता है या फिर नाक से खून आने लग जाते हैं बच्चों के, तो आप बच्चे को भी ये ठंडाई दे सकते हैं। इन मौसम में बच्चों के लिए बहुत फायदा। बात करेंगे आम पना के बारे में। आम पना बनता है कच्चे आमों से और कच्चे आम की तासीर ठंडी होती है। आप इसे लंबे समय तक भी बना के रख सकते हैं, इसे स्वाद में भी बहुत स्वादिष्ट होता है। विटामिन सी से भरपूर ये आपके पाचन को ठीक रखता है और आपके त्वचा को ठीक रखता है। तो आप इन गर्मियों के मौसम में आम पना भी बनाकर पी सकते हैं। बात करेंगे बेल के शरबत के बारे में। बेल का शरबत इन गर्मियों के मौसम में बहुत अच्छा होता है, इसकी तासीर बहुत ठंडी होती है। अगर आप कच्चे बेल का शरबत पीते हैं तो ये आपके लूज मोशन को रोकता है, लेकिन अगर आप पके बेल का शरबत पीते हैं तो ये आपके कब्ज को और एसिडिटी को ठीक रखने में आपकी बहुत मदद करता है, इसकी तासीर बहुत ठंडी होती है। तो आप इस मौसम में कच्चे बेल का शरबत जरूर। बात करेंगे पुदीना, नींबू और जलजीरा के बारे में। नींबू पुदीना का शरबत भी आप बनाकर पी सकते हैं, आपके दिल और दिमाग दोनों को ठंडक पहुंचाता है, आपके लिए बहुत फायदेमंद होता है इन गर्मियों के मौसम में। इसके साथ ही अगर आप जलजीरा का भी सेवन करते हैं इसको ठंडा बनाकर अच्छा पीने के लिए, तो ये आपके पाचन को दुरुस्त रखता है। तो आप नींबू पुदीना या फिर जलजीरा का सेवन भी इस मौसम में कर सकते हैं। अब बात करेंगे छाछ के बारे में। छाछ के अंदर में प्रोटीन भरपूर मात्रा में होता है और प्रोटीन हमारे शरीर में बनने वाले टिश्यू के नुकसान की भरपाई करता है, यानी हमारे शरीर में कोई भी टिश्यूज की नुकसान होती है त्वचा की, उसे ठीक करने में, उसे भरने में बहुत मदद करता है। तो आप दिन भर में छाछ का भी सेवन जरूर करें, 1 से 2 गिलास। छाछ को बनाने के लिए आप कोशिश करेंगे कि 1 कटोरी दही, भुना हुआ जीरा और काला नमक स्वाद अनुसार इसे लेकर भी बना सकते हैं। इसके साथ आप इसमें आप तुलसी पुदीना भी मिला सकते हैं स्वाद के अनुसार, इसमें सरसों का तड़का भी दे सकते हैं या फिर आप घी का तड़का भी इसमें दे सकते हैं या फिर लेमन ग्रास का भी आप स्वाद में बनाकर खा सकते हैं, ये आपके लिए बहुत फायदेमंद है इस गर्मी में। तो छाछ का भी सेवन आप। बात करेंगे सत्तू के बारे में। सत्तू यानी कि चने का भुना हुआ आटा, इसे आप नमकीन बनाकर भी पी सकते हैं, आपके लिए इन गर्मियों के दिनों में बहुत फायदेमंद होता है। आपको इसके लिए क्या करना है, आधा कप सत्तू लेना है, इसके अंदर में आप मिला सकते हैं पानी, नींबू का रस, पुदीना, तुलसी, प्याज के टुकड़े भी डाल सकते हैं, मिर्ची भी डाल सकते हैं और भुना हुआ जीरा और काला नमक, इन सारी चीजों का मिश्रण करके अगर आप पीते हैं तो ये आपके लिए बहुत फायदेमंद होता है। ये है नमकीन सत्तू की डिटेल्स। अब मैं कहूंगा कि आप जो भी चीजें इस्तेमाल करते हैं उसकी एक्सपायरी डेट जरूर देख लें। और दूसरी बात, जितने भी ड्रिंक्स मैंने आपको बताया इनमें से 2 ड्रिंक्स रोजाना लेना बहुत जरूरी है ताकि आप गर्मी और लू से बच सकें। ये था आज के बारे में, ड्रिंक्स के बारे में। मेरे इस वीडियो को देखने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।